प्रीति एंजल, कैसे हो बेटा? हम ठीक है, आप कैसे हैं? वाओ, डेली आप करिए, आपको हो जाएगा। मुझे भी वो आईब्रो वाला डांस है ना, मुझे भी सिखा दो ना प्लीज, मुझे भी सीखना है आपके पास। वाओ। कितना साल का है बच्ची? फाइव। कोई ऑफर आ गया कि लाइक मूवी से, एड से कोई ऑफर आ गया एक्टिंग करने के लिए? बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो? हॉरर मूवी करना चाहती है, साउथ मूवी में। हॉरर मूवी करना चाहते हो? मुझे डर लग रहा है। മലയാളം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് കൈയടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പുരികങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആ കൊച്ചു മിടുക്കിയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്, ഋതി ഏഞ്ചൽ. ഋതി ഏഞ്ചൽ കുടുംബസമേതമാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അച്ഛൻ രവി മേത്ത, അമ്മ ജ്യോതികുമാരി. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളോട് ഹിന്ദിയിലാണ് കേട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഹിന്ദി വെച്ചിട്ട് ഇവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം दीदी है ना, आपके बहुत बड़ी फैन है। आप भी बहुत अच्छी हैं। क्या बोला आपने? आप भी बहुत अच्छे हैं। ओ थैंक यू सो मच। मुझे भी वो आईब्रो वाला डांस है ना, मुझे भी सिखा दो ना प्लीज, मुझे भी सीखना है आपके पास। वाओ। डेली आप करिए, आपको हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। हाँ, मैं फिर कोशिश करूंगी ऐसे ऐसे करने के लिए। अभी नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं है ना आपके इस तरह मुझे। मैडम एक्चुअली ना वो रिति का वो वीडियो है ना, वो केरला में वायरल हो चुकी है। फर्स्ट वो राजकुमारी वो इंग्लिश सॉन्ग का वो वीडियो था, तो तब हम लोगों ने सोचा कि एक मलयाली बच्ची है, तो हम लोगों ने सोचा मलयाली है। उसके साथ न्यूज आ गया कि ये मलयाली नहीं है, नॉर्थ इंडिया से ऐसे हाल है। तो उसका वीडियो लाइक वायरल हो चुकी है सब वर्ल्ड वाइड एक्चुअली ना, तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि वायरल हो गया है। हम लोग को तो पता ही नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही मतलब वीडियो शूट करके और डाल दिए। इस तरह से डालते रहते थे वीडियो, और ये पिछले साल टिकटॉक में भी वीडियो बनाती थी, फिर टिकटॉक बंद हो गया तो हम लोग फिर छोड़ दिए, जरूरी नहीं समझे, बस ऐसा ही मन किया, फिर रील्स पे डालने लगे इधर दो महीने से, डेढ़ महीने से, और इसी तरह से ऐसे ही घर में वीडियो बना करके शूट किए, शूट करके डाल दिए। हम लोग को नहीं पता था, नहीं तो उस वीडियो को और अच्छी तरह से हम लोग बना करके डालते, लेकिन हमें क्या पता कि वो वायरल हो जाएगा। वायरल हो गया। कितना साल का है बच्ची? फाइव। फाइव, वाओ। मैडम मैम वो बच्ची रिति है ना, वो उसको वीडियो लेने का शौक है, वो आपको कैसे पता चला था? ये बहुत छोटी से ही मोबाइल चलाती थी, तो बच्चे तो सभी मोबाइल चलाते हैं अभी, लेकिन ये डेढ़ साल से ही गाना लिपसिंग करती थी। उस समय बहुत छोटे छोटा सा ऐसा वीडियो भी डाला यूट्यूब पे, तो हम लोग को लगता था कि चलो बच्चा है, कोई भी बच्चा तो वीडियो चलाता ही है, लेकिन ये लिपसिंग करती थी उसी उम्र से, डेढ़ साल से लिपसिंग करती थी, वो भी रिदम पे विद लिरिक्स के साथ। उस समय से हम लोग को लगता था कि इसको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, गाना गाना। ओके, वो सॉन्ग सिलेक्शन है ना, वो सब कौन करता है? वो रिकॉर्डिंग वगैरह वो कौन करता है? वो मम्मी करती है इसकी। हाँ, वो इतना भाषा में वो वीडियो करता है ना, इतना भाषा यूज करता है, लाइक तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, वो कैसे मुश्किल हो जाता है ना, कैसे सीखता है? इसका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी मतलब वर्ल्ड का किसी भी लैंग्वेज में ये गाना लिपसिंग कर सकती है। वो उसका वीडियो में ना वो अच्छा सा मेकअप करता है, वो काजल लगता है, वो ब्यूटी स्पॉट वगैरह वगैरह, वो कौन कौन करता है वो मेकअप उसका? सब मम्मी लगाती है, सब मम्मी करती है। ओ, सब मम्मी करती है। ब्यूटीशियन कोर्स किया है। Wow, that is good. And वो आईब्रो डांस है ना, वो कैसे सिखाया? खुद सिखाया और कोई प्रैक्टिस दी आप लोगों ने आईब्रो डांस करने के? बहुत गिफ्टेड है, ये खुद से जानती है, खुद से करती है।
आईब्रो डांसिंग तो हम लोग किसी को भी नहीं आता है। नहीं आता। अभी तो बच्ची वायरल हुई, तो आप लोगों ने कैसा मालूम पड़ा कि अभी रिद्धि एंजल इज वायरल? वो कैसे पता चला आप लोगों ने? कोई फोन कर दिया और न्यूज देखा आपने? मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आने लगे और बहुत सारे लोग ना मेंशन करने लगे, तो मेंशन करने से पता चल जाता है कि कितना वायरल हो रहा है, और अचानक से फॉलोवर भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, इससे हम लोगों को पता चलने लगा। और फिर देखे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं कि बहुत सारा न्यूज डाला हुआ है, और फिर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले कॉल करने लगे। सोशल मीडिया में भी वो वायरल है, इतना सारा फॉलोवर्स है, तो ये पेज मैनेजमेंट वो सब कौन करता है? आप लोगों, आप दोनों? हम लोग मिलके करते हैं। ओके, कोई ऑफर आ गया कि लाइक मूवी से, एड से कोई ऑफर आ गया एक्टिंग करने के लिए? अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। ओके ओके ओके, आप लोगों का प्रोफेशन क्या है? आप दोनों क्या करता है? लाइक मम्मी पुलिस और पापा बिजनेस करते हैं और मम्मी ड्यूटी करती है। बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? हीरोइन तो फिल्म में भूत वाला। वाह, हॉरर मूवी करना चाहती है? साउथ मूवी में। ओ, हॉरर मूवी करना चाहते हो? वो मुझे डर लग रहा है। वो भी साउथ मूवी बहुत अच्छा रोल करती है, हॉरर सीन का। ओके, स्कूल में जाते हैं? नहीं ना, नर्सरी में जाती है वो? नहीं, जूनियर केजी। जूनियर केजी, ओके। गाना गाती हो रिति? को घर आने में कितना वक्त लगता है, ये जमाना जाने ना क्या हो सकती है, यार मेरी की नजर है तेरी आंखों में सकती है, उसका मसले तू सारा दरिया पी जाए, उसका मसले तू सारा दरिया पी जाए। खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, तेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, हंस रहा है बारिश की जाए। थैंक यू। मलयालम सिंगर भी है? एक और लाना। हाँ जी जी जी, गाओ गाओ। हसरे से डरे से नियन पूजो माचिन घर घर रात में गोबर बारे लावे तो थैंक यू सो मच रिति, आई लव यू रिति। भगवान उसको इतना टैलेंट किया और आप जैसे अम्मा अप्पा भी दिया, तो शी इज वेरी ब्लेस्ड। जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। केरला में आना? ओके, केरला में कब आऊंगी? आप बुलाइए, हम आएंगे। ओके ओके, मैं बुलाऊंगी, आप आना। ओके, लव यू केरला। Bye. Thank you so much, baby. Bye.